हेलो फ्रेंड मैं हूँ स्नेहा स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी जो आलू और गेहूं के आटे से बनकर तैयार होगी जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो चलते हैं रेसिपी में आगे इसके लिए एक कप ये गेहूँ का आटा ली सिंपल गेहूँ का आटा जिससे रोट रोज रोटियाँ बनाते हैं हम लोग मसूसी आटे को ले ली हूँ एक कप और उसके बाद इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दें हाफ टी स्पून नमक थोड़ी सी हल्दी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो दो तीन पिंच हल्दी डाल दी हूँ थोड़ी सी आजमाइन हाफ़ टी स्पून आजमाइन डाल दें थोड़ी सी कलौजी डालेंगे टू पिंच ही दो से तीन पिंच कलौजी डाल दें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद वन टी स्पून कसूरी मेथी इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो जरूर डालें उसके बाद वन टेबल स्पून घी डाल दें आप यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं या फिर सरसों तेल भी डालकर बना सकते हैं तो डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ये घी डाली हूँ मोयन के लिए ताकि हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा बनकर तैयार हो तो अच्छे से सभी को मिक्स कर ली हूँ उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा इसका बिल्कुल टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे जिस तरह से हम पूरी का डो बनाते हैं बस उसी तरह से इस डो को गीला नहीं करना है टाइट ही डो बनाकर तैयार करना है तो अच्छे से आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं तो देखिए हमारा आटा अच्छे से गुथ चुका है तो अब इसे साइड कर देती हूँ और इसकी स्टफिंग बना लेते हैं तो इसके लिए ये चार बॉयल आलू ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे मैं इसे हाथ से ही मैश कर रही हूँ आप चाहें तो मैसर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं एक प्याज ली हूँ जिसे बारीक टुकड़ों में कट कर ली और एक हरी मिर्च तो दोनों को कट कर ली हूँ उसके बाद गैस पे एक पैन चढ़ा दी हूँ उसमें वन टेबल स्पून सरसों तेल डाल दी हूँ उसके बाद हाफ टी स्पून जीरा जीरा जब अच्छे से चटक गया उसके बाद हरी मिर्च डाल दी हरी मिर्च भी हल्का सा चटक जाएगा उसके बाद इसमें प्याज डाल दूँगी प्याज डाल को प्याज, को प्याज को प्याज का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको भुनना है तो प्याज को हल्का ब्राउन करना है तो ब्राउन जब प्याज हो जाएगा उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे तो देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है तो अब सूखे मसाले डाल देती हूँ तो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर तो लाल मिर्च आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल दें तो हरी मिर्च मिर्च भी डाली हूँ इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज कम की हूँ तो सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट इसे भून लेंगे उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे तो दो मिनट हो चुका है भून गया हमारा मसाला उसके बाद आलू डाल दी हूँ तो आलू डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे भी पाँच मिनट अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे आलू को ताकि मसाले का सारा फ्लेवर आलू में चला जाए अच्छे से तो भून भुन गया उसके बाद टू टेबल स्पून धनिया पत्ती और नमक स्वाद के अनुसार डाल दें तो हाफ़ टी स्पून नमक डाल दी हूँ नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट और अच्छे से चलाते हुए भून लें तो उसके बाद ये हमारे आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी आप चाहें तो इसमें गर्म मसाले का भी यूज कर सकते हैं पर मैं नहीं की हूँ तो उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तो हम चलते हैं अब रेसिपी बनाते हैं तो इसके लिए हमने जो आटे को गूँद कर रखा है उसमें से तीन लोइयाँ तोड़ लेंगे इसे तीन बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाकर तैयार करेंगे तो एक ही करके बनाएंगे तो सबसे पहले एक लोई ले लेती हूँ उसको अच्छे से चिकना कर ली अच्छे से चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसे हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और उसके बाद इसकी पतली सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो रोटियों को इस तरह से ही घुमाते हुए अच्छे से बेल लें आप चाहें तो यहाँ सूखा आटा भी लगा कर बेल सकते हैं या फिर थोड़ा सा तेल तेल भी लगा कर बेल सकते हैं पर मैं कुछ नहीं लगाया मैं बस इसी तरह से बेल रही थी और अच्छे से बेल बेल भी गया है बेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई अच्छे से रोटी ली हूँ पतली सी और उसके बाद इसका जो साइड्स का जो निकला हुआ है साइड वाला सारे कॉर्नर को काट देंगे और बीच वाले जो पार्ट है उसी से हम रेसिपी बनाएंगे तो साइड से इस तरह से इसको काट कर निकाल देती हूँ और उसके बाद बीच से एक कट और लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद एक कट और लगाएंगे मतलब कि इस तरह से हम दो कट लगाएंगे तो और इसके चार टुकड़े कर लेंगे तो एक रोटी से हमारा चार नाश्ता बनकर तैयार होगा तो एक एक टुकड़े कर ली उसके बाद एक, एक टी स्पून इसमें आलू वाले स्टफिंग डालेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो बाहर निकल आएगी इसलिए थोड़ा थोड़ा ही स्टफिंग डालें हाथों से इस तरह से इसको चिकना करके डालें ताकि अच्छे से हमारा नाश्ता बनाने में बने इधर उधर छिटक कर गिरे नहीं इसलिए तो देखिए सभी पे आलू का स्टफिंग रखती हूँ और उसके बाद इसके चारों साइड थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे पानी लगाने से जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से चिपक कर बनेगा तो पानी जरूर लगाएं बिना पानी का अगर बनाएंगे तो ये खुल भी जाएगा तेल में इसलिए ध्यान रखें तो इस तरह से चारों तरफ पानी लगा दी हूँ और उसके बाद इस तरह से इसको हल्के हाथों से दबाते हुए चारों तरफ हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और इसकी इसमें जो हमने आलू की स्टफिंग भरी है वो बाहर निक, नहीं निकले इसलिए इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ से सेट से कर लेंगे तो अंगुलियों के हेल्प से इसे इस तरह से चारों तरफ से दबा देंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे तो ये एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया उसी तरह से दूसरा भी बनाकर दिखा रही हूँ तो दूसरे में भी इस तरह से चारों तरफ पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद इस तरह से अच्छे से इसकी स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा थी तो थोड़ी सी कम कर दी हूँ तो आप भी अगर ज़्यादा स्टफिंग है तो थोड़ा कम कर दें और उसके बाद इस तरह से इसको अच्छे अच्छे से इसको चारों तरफ से इसको दबाते हुए पैक कर लेंगे ताकि हमारा जो स्टफ़िंग है वो तेल में जब फ्राई करें तो इन बाहर नहीं निकले इसलिए तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हाथों से दबा दें तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है देखिए इस तरह से अच्छे से दबा दें और बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है तो इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ तो देखिए सभी को बनाकर तैयार कर ली हूँ तो चलते हैं अब गैस की तरफ तो गैस ऑन कर ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ एक छोटी सी आटे की लोई डालकर चेक कर लेंगे अच्छे से हमारा तेल गर्म हो चुका है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही इसमें हम अपना नाश्ता डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से फूला फूला और बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होगा इसी मीडियम में, से हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो मीडियम से हाई फ्लेम पर ही इसको इस तरह से उलट पलट कर अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से इसको बीच बीच में उलटते पलटते रहें ताकि जले नहीं इसलिए ध्यान देकर और अच्छे से इसको उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर इस तरह से तैयार होता है समोसा कचौड़ी को भी फेल कर देती है समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है बहुत ही कुरकुरी बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो देखिए अच्छे से इसको फ्राई कर ली हूं। तो अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को लंच में दे ब्रेकफास्ट में दे शाम को चाय के साथ ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी और यामी लगती है तो उसी तरह से सेकेंड बैच भी डाल दी हूँ और इसे भी तल बाहर निकाल लेते हैं तो चलते हैं अब इसे सर्व करते हैं तो इसे मैं टमाटो कैचअप के साथ सर्व की हूँ आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी और अमीर रेसिपी है मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग